हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और मनीषा कोइराला ने अब तक कितनी फिल्मों में साथ काम किया है और साथ ही साथ जानेंगे उन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अब तक अपने फिल्मी करियर में सिर्फ दो फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 17 अक्टूबर 1957 में बनी फिल्म लोहा की। दोस्तों फिल्म लोहा एक एक्शन ड्रामा पर आधारित फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था कांति साहा ने और प्रोड्यूस किया था ओलिविया फिन ने। इस फिल्म में हमें नजर आई थी मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, रमैया कृष्णा, रमी रेड्डी, मोहन जोशी, दीपक सरकी और शक्ति कपूर। इस फिल्म में मनीषा कोइराला ने स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर नजर आई थी। अगर बात की जाए इस फिल्म के बजट के बारे में तो आपको बता दें कि इस फिल्म को बनवाने के लिए उस समय तकरीबन 2 करोड़ रुपये का खर्च आया था और इस फिल्म ने इंडिया में से कमाई थी 6 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 9 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद बात करते हैं फिल्म आपके लिए हम के बारे में। दोस्तों फिल्म आपके लिए हम 15 जून 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रेवती एस सिंह ने और प्रोड्यूस किया था सुभाष सिंह ने। फिल्म के स्टार कास्ट में मौजूद थे मिथुन चक्रवर्ती, जया बच्चन, रविंद्र टंडन, ऐश्वर्या टकिया, मनीषा कोइराला और रणवीर शोरी। और अगर बात की जाए इस फिल्म के बजट के बारे में तो तकरीबन 10 करोड़ के बजट में बनी थी ये फिल्म और इस फिल्म ने इंडिया में से कमाई 3 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।